चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव पहले चरण के मतदान की अधिसूचना जारी हो चुकी है। पहले दिन किसी ने भी नामांकन नहीं भरा है। निर्वाचन पदाधिकारी पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, जहां मशीनों की संख्या की जानकारी भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान केंद्र में एक्स्ट्रा वोटिंग मशीन भी उपलब्ध रहेगी। तो चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है। जो निर्वाचन पदाधिकारी है वो पत्रकार वार्ता इस दौरान कर रहे हैं, जहां पर पहले दिन के नामांकन की बात कर ली जाए तो देखिए दो चरणों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे पहले 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद में 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि दो चरणों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले अगर चरण की बात कर ली जाए तो पहले चरण 7 नवंबर को इसका चुनाव लड़ा जाएगा। उसके लिए मतदान की सूचना भी जारी कर दी गई थी। और उससे पहले आपको बता दें कि पहले दिन किसी भी जो प्रत्याशी है उसने अपना नामांकन नहीं भरा है, तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से करीब 85 नामों पर चेहरा स्पष्ट हो चुका है कि 85 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। जहां पहले देखा जाए तो तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्हें मौका दिया गया है, और ऐसे में मात्र 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर अभी तक बीजेपी ने अपना नाम स्पष्ट नहीं किया, अपने प्रत्याशियों का नाम स्पष्ट नहीं किया। वहीं कांग्रेस की सूची का सभी को इंतजार है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता सुधीर वर्मा जुड़ गए। सुधीर, पहले चरण के मतदान की अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी पहले दिन किसी ने भी नामांकन नहीं भरा है। जिस तरीके से अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसके बाद पहले दिन जिस तरीके से किसी भी प्रत्याशी का नामांकन अब तक नहीं आया, जिसको देकर के ये प्रयास लगाया जाए कि बीते कुछ दिनों में जो प्रत्याशी है उनके आवेदन जल्द से जल्द आएंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसको लेकर के, क्योंकि प्रदेश में जो चुनाव है वो तत्पर है, क्योंकि जो संकनाद है वो लंबे समय से पार्टियों द्वारा किसी न किसी तरीके से किया जा रहा है। और जो जो प्रत्याशी है, जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, उनकी अभी जो सूची अभी तक पूरे प्रदेश में आई नहीं है, जिसको देखते हुए भी कई राज्य चुनाव आयोग द्वारा भी जो आवेदन की जो समय है उसको बढ़ा दिया गया है। और देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जिसमें उन्होंने ईवीएम से जुड़ी कई अहम जानकारी दी, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि कई स्थानों पर जो ईवीएम मशीनें थी उनमें जो बैटरीज वगैरह थी वो कई कई बार बंद हो जाया करती, जिसकी वजह से बैटरीज को बार बार रिचार्ज करने के लिए समय लगता था, जिसकी वजह से जो बैलेट पेपर जो है जिस वजह से जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं वोटिंग कराई थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया, क्योंकि जो ईवीएम मशीन रहेगी उसमें जो अधिकारी रहेंगे उनके माध्यम से जो ईवीएम मशीन रहेगी उसको दूसरी जो एक्स्ट्रा मशीनें रहेंगी उनके माध्यम से रिप्लेस किया जाएगा, और ईवीएम के माध्यम से जो वोटिंग होती है उसे सुचारू रूप से जारी किया जाएगा। जी, तो सुधीर आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए पहले चरण में जो मतदान होना है उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी नामांकन नहीं भरा है, लेकिन अभी भी नामांकन का समय बाकी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस दौरान आज और कल की अगर बात कर ली जाए, आने वाले समय की बात कर ली जाए, तो बीजेपी की ओर से कांग्रेस की ओर से कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो कि नामांकन भरने वाले हैं।